पुणे में एक 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। You're gonna drop this and launch it there. I'll see you for the workout. Yeah. Bye. Wait, Neil, I left my bag at Dhurabji's. So Saket is currently vibing to Pratik Kuhad in the washroom right now. But अभी हम दोनों महल के लिए रुके हैं because हमें एक task पूरा करना है. Why are you angry? What are your muscles for? How much do we get paid? Saket gave me responsibility to vlog. देखा तो ऐसे बहुत पतला लग रहा है। मे बी इट्स बिकॉज जिम कुछ दिनों के लिए बंद है एंड स्टफ, बट होम वर्कआउट वैसे चालू है। आई एम एक्चुअली वेरी शॉक्ड क्योंकि काफी कुछ दिनों से मेरा अंडर ईटिंग गारंटीड चल रहा था, बट अभी देख के रिलीफ मिल गया। इसीलिए हाईली रिकमेंड यार, आप लोग भी ये खरीद लो, जिंदगी भर काम आएगा। और आप लोगों को एक और बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, घर पे ट्रेन करने की वजह से सबके मोटिवेशन लेवल कम ही रहता है, राइट? मेरे भी कम रहता है, इसीलिए अंडर ईटिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं रहता खाने के लिए। जिम में जब आप जाते हो तो आपको पीआर मानने रहता है, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है या बढ़ाने गोल रहता है, कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से आपको फूड खाने के लिए अपने आप से मोटिवेशन मिलता है। ये एक चीज आपको मदद कर सकती है, जस्ट कीप वेइंग योरसेल्फ। अगर आप खुद का वजन करते रहोगे और जब आप वेइंग स्केल पे वो नंबर नीचे जाते हुए देखोगे, आपको मेंटली बहुत ही होगा, इसीलिए आप फोर्सफुली खाना खाओगे। एनीवेज, कल और परसों मुझे और नील को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आया। अगर आपको याद है, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में उस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में बताया था और उस लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टॉकअप करना भूल गए। हमें सिर्फ चिकन याद था पर हम भूल गए कि हम ब्रेड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए ये पिछले 2 दिन हमने ब्रेड बहुत कम खाया, विच इन अ वे इज गुड क्योंकि ब्रेड इज नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। बट अभी आज मंडे है और रूमर्स है कि कुछ नए रूल्स आने वाले हैं और पुणे में एक 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, इसीलिए अभी मैं जल्दी से दोराबजीज में जाऊंगा। सबसे पहले देखूंगा कि वो खुला है कि नहीं, क्योंकि किसी को क्या हो रहा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कैमरा रख दिया बैग में, अभी मैं फोन से व्लॉगिंग करूंगा। सच बताओ, आप में से कितने लोगों को फर्क एक्चुअली नोटिस होता है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मुझे ऑब्वियसली होता है बिकॉज आई एम अ क्रिएटर माई सेल्फ और मैं कैमराज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बता देना। प्रेइंग टू गॉड कि दोराबजीज खुला है। स्कूटर भी बहुत देर से चल रही है। स्कूटर हमने इसीलिए वापस लगाई बिकॉज गैस हमें कौन मिला? ब्रेड। इट्स ओवर। ओह गॉड, सबने ले लिया। बेकरी से लेना पड़ेगा ना अभी। तेरा चिकन खत्म हो गया? ले ले थोड़ा, आए थे कल परसों नहीं मिला तो। याद है मैं तुझे वो कॉफी दिखा रहा था? वेयर इज इट? नेक्स्ट टाइम हम ये ट्राई करेंगे। हमारे पास है सिल्की हेज़लनट, हमारे पास है नटी हेज़लनट, और एक ढूंढना पड़ेगा। इसके भी फ्लेवर आता है, ओशन फिश फ्लेवर। सही है। Has Garfield tried all? I think so, yeah. You're gonna drop this and launch it there. ओके, सो फार चिकन अक्वायर्ड और चिकन मैंने सिर्फ, और मैंने नील की तरह 2 किलो स्टॉकअप नहीं किया क्योंकि मैं अपने चिकन को कभी मैरिनेट नहीं करता और मैरिनेट ना करने की वजह से चिकन स्पॉइल होने के यानी खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और नील ने उसके बिल्ली के लिए कुछ कैट फूड लाया है और अभी वो वहां पर अंडे खरीद रहा है। और ये अच्छी बात है कि नील हमेशा उसके अंडे ऐसे बड़े बड़े ट्रेज में लाता है, विच इज मोर इकोनॉमिकल, बट एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। नील, तू ये ट्रेज किधर से लाता है? आई मीन वंस यू बाय लाइक बल्क में यू गेट, दे गिव यू ट्रेज आल्सो एंड यू गिव इट बैक इन द गार्डन। Bye Neil, I'll see you for the workout. Yes, done. Bye. Wait, Neil. Yeah. I left my bag at Dhurabji's. What's in the bag? Nothing. Jana hai? Jana hai? वही मैं सोच रहा हूँ, मैं सब कैरी क्यों कर रहा हूँ जब मैं बैग लेके गया था। Normalist human beings. Sorry, Neil. अच्छा हुआ हम जल्दी आए। गैस लाइन किधर तक है? Third. You know when we enter -2? Yeah. उधर से लाइन है ना। Damn. There at least 40 people waiting. Wait, Neil. I left one more thing at Dora. No, I'm kidding. Okay,
आज का पहला मील माय माउथ इज डेफिनेटली वॉटरिंग। यहाँ पर है 80 ग्राम ओट्स, एक केला और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ब्लूबेरीज डाले हैं, दो पूरे अंडे, दो टोस्ट के स्लाइसेस, मेरी हेजलनट कॉफी और आधा स्कूप वे प्रोटीन। एंड द रीजन कि मैं इतना ज्यादा खा रहा हूँ इज बिकॉज मैंने आप लोगों को सुबह भी बोला कि मुझे अंडर ईटिंग के चक्कर में वापस नहीं लगना है और ये मेरा एक्चुअली पहला मील है आज का। टाइम टू ईट दिस। ओके, कॉफी घटक ली, ओट्स खत्म कर दिए और मेरे एग्स खत्म कर दिए और अभी मेरा पेट ऐसे निकल के बाहर आ रहा है। 3:15 हो गया है, जापानीज का टाइम आ गया है, सो जल्दी से जापानीज क्लास खत्म करेंगे और फिर वर्कआउट के लिए रेडी होंगे। सो साकेत इज करंटली वाइबिंग टू प्रतीक कुहाद इन द वॉशरूम राइट नाउ। आई एम गोना ट्रेन इन अ बिट, वार्म अप एंड डू सम पुल अप्स। लेट्स कैप्चर साकेत कमिंग टू द वॉशरूम। A while Saket has appeared. पर एक्चुअली मेरा पूरा पेट, डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छे से पूरा साफ हो गया। तूने उस दिन मुझे क्या दिया था? नहीं, त्रिपुला कुछ गोली दी थी, आयुर्वेदिक, आई थिंक उसकी वजह से सब साफ हो गया। गुड भाई, ओके। सो वेटेड पुलअप्स करने के पहले हम रेगुलर बॉडी वेट पुलअप्स का एक AMRAP लगाने वाले हैं। लेट्स सी हाउ मेनी रेप्स आई गेट। काउंट करो सर। मैंने अभी अभी आर्यन की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी और वहां पर बारिश चालू हो गई है, मतलब हमारा वर्कआउट हो गया और लकीली अभी बारिश रुक गई है, बट प्रॉब्लम है कि इतना इंटेंस वर्कआउट था, हम दोनों के शर्ट के ऊपर इतना पसीना है एंड हवा बहुत ठंडी है, इसीलिए नील को ठीक लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव बॉय। बट अभी हम दोनों महल के लिए रुके हैं बिकॉज हमें एक टास्क पूरा करना है। नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें। No, I won't. Paparazzi. Do you want to go get the treadmill? Do you want to go get the... You guys have lifted, I can't lift any. Manual labor करा रही है. चल जाना. What are your muscles for? Vajun. जाना? How much do we get paid? I'll feed you. What? My mom's food. तो दूसरे बिल्डिंग में महर का एक ट्रेडमिल है जो हम, मतलब मैं और नील, महर के घर पे मूव करने वाले हैं और इसका हार्ट टूटा है, इसको कार्डियो करने का बहुत एंथुसियाज्म आ रहा है, इसीलिए हम दोनों इसकी मदद करेंगे। For all you know, ये यूज करेगा। I'll go and come over and use your treadmill. So luckily, इस ट्रेडमिल में पहिए है, पहिए है नील का। नील, I'll come in the next one. Oh, it must be overload the weight. Okay, one of you go. Neil, you go down with it. No, it won't move. I'll go down with it. No, no, I'll wait. Don't let it close. Hey, it was closing. Listen, I'll go down with it. I'll go down with it. I have line. Careful, move. No, not very. It's funny, he's struggling. आगे से ना, आगे से straight. चलो, नील देख ले. What? नील सुमो. Oh, strong boy. Eyelashes. Beautiful. Bye, man. Too much pressure. Hi, guys. नहीं नहीं हो रहा. Saket gave me responsibility to vlog. He's like, be funny. I don't know how to be funny. What if I get stuck again? Are you guys claustrophobic? Oh, I reached. Great, thank you. Please don't use this slip. Cardio. Walk on, little bit, walk on a little bit. Thanks, guys. My sweet, sweet friends. Hey, join us. No, thank you. Mujhe rose mil raha hai. Kachumba. ओ बाय द वे, ये होममेड हमस है जो महर की मम्मी ने बनाया है, सुपर टेस्टी।
हेलो गाइस, अभी रात के 2:30 बज गए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। आई एम वाइड अवेक, ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ, बट मुझे आंसर करना था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ हैज ब्लॉगिंग अफेक्टेड योर लाइफ? ये क्वेश्चन निखिल सावन ने पूछा है। पता है हाउ ब्लॉगिंग अफेक्टेड माई लाइफ? कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर अभी जितना कॉन्फिडेंस है, उतना कॉन्फिडेंस मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मेरे अंदर होगा। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, एक इंट्रोवर्ट था, एक बहुत शाय इंडिविजुअल था, जो काफी ग्रुप्स में ऐसे ओपनली जाके इन्वॉल्व नहीं होता था। मैं सोशली थोड़ा ऑकवर्ड था, बट व्लॉगिंग करने की वजह से सबसे पहले नंबर वन मेरे कॉन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत बढ़ गए। मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस कर पाया, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन हिंदी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग क्लियरली हिंदी में ही करता हूँ। अभी आप डिबेट कर सकते हो कि ये लाइफ चेंजिंग है कि नहीं, बट मेरा मानना है कि हर टीनेजर के जिंदगी में कॉन्फिडेंस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग था। इसीलिए जस्ट सम इनसाइट कि व्लॉगिंग ने मेरी लाइफ कैसे बदल दिया। अभी पता नहीं, आई थिंक मैं सोने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। कल गुड़ी पड़वा है, इसीलिए हाई चांसेस है कि मम्मी मुझे काफी जल्दी उठाएगी। यूजुअल से तो जल्दी उठा ही लेगी, बट इन अ वे अच्छा है अगर मम्मी ने 7:30 या 8 बजे उठा दिया तो होपफुली मेरी स्लीप साइकिल भी थोड़ी बहुत ठीक होती है। बट इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लीव अ लाइक, शेयर टू द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पे नए हो, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे।